गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सिजेरियन डिलीवरी के बारे में। सब कुछ जानेंगे आज हम इसमें सिजेरियन डिलीवरी के बारे में। सिजेरियन डिलीवरी क्यों होती है, क्या कारण रहते हैं, क्या प्रोसेस रहता है ऑपरेशन थिएटर में, हमारे साथ क्या क्या होता है, कब तक हमारी रिकवरी हो जाती है, कब हमारा डिस्चार्ज होता है, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए, वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया में सिजेरियन डिलीवरी एकदम नॉर्मल डिलीवरी के जैसे ही हो गई है। इतना सिजेरियन डिलीवरी का रेशियो बढ़ गया है, सिजेरियन डिलीवरी लगभग 80% इंडिया में होती है, जबकि नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ 20% या 15% ही है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या हर औरत को इतना कॉम्प्लिकेशन रहता है, क्या हर बच्चे को कोई ना कोई दिक्कत रहती है जिसकी वजह से डॉक्टर हमारी सिजेरियन डिलीवरी कर देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जब हम जाते हैं डिलीवरी के लिए और सब कुछ सारा प्रोसेस हमारा नॉर्मल के जैसा ही रहता है, हमारी प्रेगनेंसी पूरी नॉर्मल रहती है, हमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहते हैं, लेकिन एंड में डॉक्टर बोल देते हैं कि हमारा सीजर होगा, हमारा सी सेक्शन होगा। तब हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो लोग कुछ ना कुछ कारण बताते हैं कि बच्चे ने कुछ ऐसा हो गया है, बच्चे की कॉर्ड गले में अटक गई है, बच्चे ने पॉटी कर लिया, ऐसे बहुत सारे रीजन डॉक्टर बताते हैं। और उस टाइम पे हम लोग को कुछ नहीं पता होता है, हम लोग का मजबूरी हो जाती है हम लोग को सीजर कराने के लिए, सिजेरियन कराने के लिए, क्योंकि हम डॉक्टर पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। और उस टाइम पे हमारे लिए वही जरूरी होता है क्योंकि उस टाइम पे हमारे बच्चे को बहुत ज्यादा रिस्क होता है, मदर और बच्चे दोनों ही खतरे में होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है इस बारे में बोलते भी हैं कि डॉक्टर सिर्फ पैसे बनाने के लिए ऐसा करते हैं या डॉक्टर सिर्फ टाइम सेव करने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पता ही नहीं होता है कि कितने टाइम तक हमें पेन जो है होंगे, उसके बाद डिलीवरी होगी। लेकिन सिजेरियन में ऐसा होता है कि डॉक्टर आए और 10-15 मिनट में ही लगभग उन्होंने सारी प्रोसेस कर दी और बेबी हमारे हाथ में आ जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि सिजेरियन डिलीवरी के मेन कारण रहते क्या है, क्या क्यों होती है सिजेरियन डिलीवरी, क्या हम इसको रोक सकते हैं, मतलब अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हमें क्या पता लग जाएगा कि हाँ हमारी सीजर होगी या नॉर्मल होगी। तो वही सारे कारण हम इसमें डिस्कस करेंगे और साथ साथ में जानेंगे हम सिजेरियन की प्रोसेस। बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो रहता है बहुत डर होता है सिजेरियन के लिए, जाने क्या क्या होगा वहाँ पे, तो वो सारी प्रोसेस से आपको पता चल जाएगा कि ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है, एक्चुअल में सिजेरियन डिलीवरी में होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कारण क्या रहते हैं। देखिए सी सेक्शन 2 टाइप का होता है, एक होता है प्लांट सी सेक्शन, दूसरा होता है अनप्लांट सी सेक्शन। प्लांट में हमें पहले से ही पता रहता है कि हमारी सी सेक्शन होने वाली है, हम डॉक्टर से बात करके डेट ले लेते हैं, डॉक्टर बता देती है कि आप इस डेट पे आ जाइए, आपकी सिजेरियन हो जाएगी और उसी डेट पे डिलीवरी हो भी जाती है। तो प्लांट सी सेक्शन क्यों होता है, प्लांट सी सेक्शन तब होता है जब हमारी पहली डिलीवरी अगर सी सेक्शन से हुई है तब हमारी सेकेंड डिलीवरी भी सी सेक्शन से होगी, तब वो प्लांट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारी पहली डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है तो हमारी सेकेंड डिलीवरी भी सी सेक्शन होगी, नॉर्मल भी हो सकती है और बहुत सारी लेडीज इसके लिए ट्राई भी करती हैं, लेकिन बहुत सारी लेडीज नहीं भी करती हैं, वो अपना सी सेक्शन ही प्लान करती हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ये भी रहती है कि अगर हमने बेबी दूसरा बेबी जल्दी कंसीव कर लिया है, मतलब हमारा सी सेक्शन हुआ हुआ है और 1-1.5 साल के अंदर ही हमने दूसरा बेबी कंसीव कर लिया है, तब भी डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं उस टाइम पे सी सेक्शन के लिए, क्योंकि उसमें हमारे जो स्टिच होते हैं वो खुलने का डर रहता है, तो वहां पे सी सेक्शन होता है। सेकेंड हमारा रहता है कि जो लेडीज होती हैं वो खुद से ही बोल देती हैं कि हमें सी सेक्शन करवाना है, हम पे जो दर्द है वो बर्दाश्त नहीं होगा, या वो उसी टाइम पे बोलती हैं कि नहीं हमें दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है और हमारा सी सेक्शन कर दीजिए, तब भी हमारा सी सेक्शन होता है। इसके अलावा अगर हमारा लो लाइंग प्लेसेंटा होता है, मतलब प्लेसेंटा जो है वो नीचे की तरफ है, सर्विक्स के ऊपर आ रहा है, बेबी नहीं दिख रहा है, सिर्फ प्लेसेंटा प्लेसेंटा दिख रहा है, तब भी हमारी सी सेक्शन डिलीवरी होती है। इसके अलावा बोलते हैं डॉक्टर कि गले में जो हमारा कॉर्ड रहता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है, जो हमारा प्लेसेंटा रहता है जिससे बच्चे को खाना पीना मिलता है, बच्चा उसको अपने गले में चारों तरफ लपेट लेता है, जिसकी वजह से हमारा सी सेक्शन होता है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि जो मदर होती है, जो उस टाइम बेबी को जन्म देने वाली होती है, उसका बीपी जो है वो हाई हो जाता है, उसकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है या कम हो जाती है, या फिर उसको शुगर की दिक्कत रहती है, तो उन कंडीशंस में भी डॉक्टर सी सेक्शन के लिए सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा आजकल लोगों को बहुत जल्दी भी रहती है कि बेबी जल्दी जल्दी से मिल जाए, कौन इतना सारा पेन बियर करे इतने, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में पता नहीं होता 11 घंटे पेन होगा, 12 घंटे पेन होगा, और सिजेरियन में पता होता है कि जाएंगे
जाएंगे और बस 10 मिनट में हमारा बेबी हाथ में आ जाएगा। तो इसलिए भी बहुत सारे लोग सिजेरियन के लिए जाते हैं। तो ये सारे कारण रहते हैं सिजेरियन डिलीवरी होने के अलावा इंडिया में इसलिए भी सी सेक्शन का बहुत ज़्यादा रेशियो बढ़ रहा है क्योंकि हमारे डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा चेंजेज आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो हमारे मम्मी के टाइम का टाइम था उस टाइम पर बहुत सारी डिलीवरी नॉर्मल होती थी क्योंकि उस टाइम का जो डेली रूटीन था वो बहुत चेंज था अभी के रूटीन से। अभी का रूटीन क्या रहता है कि हम कोई भी काम नीचे बैठ के नहीं करते हैं, सारे काम हमें खड़े खड़े करने रहते हैं। हमारा किचन जो है मॉडलर हो गया है तो हमें नीचे बैठने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा सारा खाना ऊपर खड़े होकर ही बनता है। हमारे कपड़े के लिए वॉशिंग मशीन आ गई है तो हमें कपड़े भी नीचे बैठ के नहीं धोने पड़ते हैं। झाड़ू पोछे के लिए मॉप आ गया है तो वो झाड़ू पोछा भी हमको नीचे बैठ के नहीं करना रहता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नीचे बैठ के नहीं करते हैं। पहले के टाइम में सारी लेडीज़ नीचे बैठ के करती थी तो उनका जो पेल्विक एरिया था वो स्ट्रेच रहता था, वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए एकदम परफेक्ट होता था कि नीचे का जो एरिया रहता है पेल्विक एरिया वो अगर हमारी नसें जो है वो स्ट्रेच रहेंगी वो स्मूथ रहेंगी तो नॉर्मल डिलीवरी में हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। इसीलिए आज के टाइम में जो डिलीवरी है वो ज़्यादातर सी सेक्शन से होती है क्योंकि हमारा डेली रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो ये सारे कारण रहते हैं सी सेक्शन होने के। चलिए अब हम जानते हैं कि प्रोसेस क्या रहता है सी सेक्शन का। जब हम हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते हैं तब हमसे डॉक्टर सारी चीज़ें पूछती है कि क्या हमारी रिपोर्ट्स थी वो सारी चेक करती है, हमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं थी वो सारी चीज़ें पूछती है, ब्लड प्रेशर शुगर उसी टाइम पे सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, सारी डॉक्यूमेंटेशन होता है उसी टाइम पे। और इसी बीच हमको एक अल्ट्रासाउंड की मशीन लगा दी जाती है जिसमें हमारे बच्चे की हार्ट रेट चलती रहती है, हमें बेबी दिखाई देता रहता है कि बेबी ठीक है या नहीं है, वो सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद एक एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर आते हैं और वो हमें हमारी बैक में एक इंजेक्शन देते हैं जिसको लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। इससे हम लोग बेहोश नहीं होते हैं, बस हमारा जो नीचे का बॉडी पार्ट होता है वो शून्य हो जाता है, उसमें कोई भी सेंसेशन नहीं होता है, हमें कुछ भी पता नहीं चलता है जब हमारा ऑपरेशन होता है। इसी बीच डॉक्टर सारी तैयारियां कर लेते हैं और एक चीरा लगाया जाता है हमारे पेट पे जहां से हमारे बेबी को बाहर निकाल लिया जाता है। ये जो चीरा होता है पेट में ये सीधा भी हो सकता है पेट में और ये तिरछा भी हो सकता है, ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का चीरा देते हैं। इसके बाद हमारे बच्चे का जो प्लेसेंटा होता है जो उसका कॉर्ड होता है वो काट लिया जाता है और इसके बाद प्लेसेंटा को रिमूव कर दिया जाता है। पहले बेबी आता है उसके बाद जो प्लेसेंटा होता है जिससे बेबी को सारी चीज़ें मिलती हैं मांस के थ्रू वो अपना भरण पोषण करता है वो प्लेसेंटा होता है, फिर उसको रिमूव कर लिया जाता है। इसके बाद बेबी का जो डॉक्टर होते हैं जहाँ पर वो नर्सेज रहती हैं वो सारी बेबी को ले आती हैं, बेबी को साफ़ करती हैं, अगर बेबी को सांस लेने वगैरह में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको थोड़ी देर थपथपाया जाता है, उसको रिलैक्स किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद बेबी के सारे चेकअप होते हैं कि बेबी ठीक है या नहीं है। इसी टाइम पे बेबी का बर्थ वेट लिया जाता है जो कि आपको पता होना चाहिए बेबी का बर्थ वेट क्या है जिससे कि आप उसका आगे तक का वेट मेजर कर पाएँ। और इसके बाद आती है वो घड़ी जिसका हम 9 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं, डॉक्टर हमारा बच्चा हमें दे देते हैं और वो एक हेल्दी बच्चा होता है, माँ भी स्वस्थ होती है तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती है। तो हो गया प्रोसेस। तो अभी हम जानेंगे कि सी सेक्शन के नुकसान क्या हैं, क्या सी सेक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं सी सेक्शन कराने से, उनको लगता है उनकी बॉडी ख़राब हो जाएगी वो रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं सी सेक्शन के साथ। सिजेरियन डिलीवरी के बाद जो हमारी रिकवरी है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 से 1.5 महीने लग सकते हैं। जो ऊपर के टाके होते हैं वो हमारे जल्दी हील हो जाते हैं लेकिन अंदर वाले जो टाके रहते हैं क्योंकि हमारे पेट में 3 लेयर कटती हैं जब हमारा सी सेक्शन होता है तो जो अंदर के टाके होते हैं उनको हील होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके अलावा सी सेक्शन के बाद आपकी मिल्क सप्लाई पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि हम इतना पेन में होते हैं, हम इतना स्ट्रेस में होते हैं कि हम बच्चे को उस टाइम पर नहीं देख पाते हैं, हम उसको स्किन टू स्किन टच नहीं दे पाते हैं जिसकी वजह से हमारा मिल्क सप्लाई बहुत लो होता जाता है और बहुत सारे लोगों को तो मिल्क बनता भी नहीं है सी सेक्शन के बाद। बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है कि सी सेक्शन के बाद मिल्क सप्लाई जो है हमारा उतना नहीं हो पाता, तो ये भी एक नुकसान है सी सेक्शन का। इसके अलावा देखा जाता है कि सी सेक्शन वाले जो बच्चे होते हैं वो भी थोड़ा सा बीमार रहते हैं क्योंकि उनको जो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जो मदर के बैक्टीरिया होते हैं जो बच्चे के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो सी सेक्शन के थ्रू नहीं मिल पाते हैं बच्चे को, जिसकी वजह से बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी सी कम रहती है। वहीं दूसरा मिल्क भी नहीं बनता है तो उनको मदर मिल्क भी नहीं मिलता जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम रहती है। तो इसलिए भी बोला जाता है कि सी सेक्शन के बाद बच्चों जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम रहती है। सी सेक्शन के बच्चे ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा पतले दुबले से रहते हैं और बच्चे जो हैं ज़्यादातर NICU में रखा जाता है, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है डॉक्टर के, तो ये सारे नुकसान भी सी सेक्शन के थ्रू रहते हैं। लेकिन हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे सी सेक्शन के थ्रू स्वस्थ भी रहते हैं। तो
सारे ड्रॉबैक जो है वो सी सेक्शन के रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है कि क्या डॉक्टर पैसे बनाने के लिए ऐसा करते हैं, क्या डॉक्टर अपना टाइम सेव करने के लिए ऐसा करते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, लोगों को थोड़ा सा अवेयर करिएगा इसके लिए। जब आप प्रेग्नेंट हो तो आप डॉक्टर को बहुत ज्यादा चेंज ना करें, किसी एक डॉक्टर पर ट्रस्ट करें, उसका बैकग्राउंड चेक करें कि क्या उन्होंने सिजेरियन डिलीवरी की है, क्या उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी की है, कितनी कितने परसेंटेज रहा है, उस हिसाब से आप देखें। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है डॉक्टर पे, अगर डॉक्टर उतना वेट करे। क्योंकि मैंने देखा है ऐसा, जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो कम से कम दो या तीन लेडीज ऐसी थी जो बिल्कुल भी उनको दर्द ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था, और एक रात में डॉक्टर ने उस दिन तीन डिलीवरी की थी और तीनों को पेन नहीं था, लेकिन उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, बच्चा हेल्दी रहा उनका। तो बहुत सारी चीजें मैंने ये हॉस्पिटल में रह के दो तीन दिन देखा है कि बहुत सारी चीजें डॉक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। मैंने खुद 6-7 घंटे दर्द सह के नॉर्मल डिलीवरी की है। तो ये सारी चीजें डिलीवरी डॉक्टर पे भी डिपेंड करती हैं, आप पे भी डिपेंड करती हैं। अगर आपको दर्द नहीं सहन होते हैं, बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं उस टाइम पे कि मुझे दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा है, मुझे सी सेक्शन कर दीजिए, तब भी डॉक्टर को करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसमें हम डॉक्टर को ज्यादा दोष नहीं दे सकते हैं कि डॉक्टर ऐसा करते हैं। लेकिन हाँ, दुनिया है, दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो सिजेरियन ही करना चाहते हैं, और कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि कंडीशंस होने पर ही सिजेरियन करते हैं। तो आपके साथ क्या हुआ, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए, वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।